की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने दो वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है, वैद्यनाथ जी। देखिए, सभी पूज्य संतों का और खास तौर पर गोरखपीठ की तीन पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। श्रद्धेय अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है।